हेलो दोस्तों, तो आइए आपको हमारे फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में कैसे ला सकते हो। तो दोस्तों, यहां चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने दोस्त का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शायक अनवर और आप देख रहे हैं SA स्मार्ट टिप्स। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोड होती रहती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अब हमें यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ सबसे ऊपर का तरह यहाँ तीर का निशान दिखाई देगा या तीन लाइन का निशान दिखाई देगा, आप वहीं पर क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर अपने साइट को ओपन कर लेना है, ताकि आपका मोबाइल का स्क्रीन लैपटॉप के स्क्रीन का तरह हो जाए। वहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल का स्क्रीन डेस्कटॉप साइट पर आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ करना क्या है कि यहाँ पर आपको यहाँ सर्च के ऑप्शन में सर्च करना है youtube.com, या आपको यहाँ YouTube का सिंबल दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए हम YouTube के सिंबल पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप YouTube के सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो अब दोस्तों, हमें यहाँ करना क्या है कि अब यहाँ आपको ऊपर का तरह अपने चैनल का लोगो दिखाई देगा। यहाँ देख रहे हैं आप कि ऊपर का तरह आपके चैनल का लोगो यहाँ पर आपके चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, वही लोगो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और वही सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे आप अपने सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और सारी ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल रहा है, एक है चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर, दूसरा है क्रिएट अ न्यू चैनल, तीसरा है व्यू एडवांस सेटिंग। तो आपको यहाँ करना क्या है दोस्तों, यहाँ पहला ऑप्शन में क्लिक करना है, चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर पर क्लिक करना है। जैसे आप चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर पर क्लिक करेंगे तो आपका चैनल क्रोम ब्राउज़र के YT स्टूडियो पर खुल जाएगा। कि दोस्तों, अब वहीं से आपको वो सेटिंग मिल जाएगा जिससे आप अपने चैनल को सर्च लिस्ट में ला सकते हो। तो दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए स्लो चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें देखने को मिलेगा इस तरह का इंटरफेस। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल गया है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिखाई देगा, यही क्लोज का ऑप्शन में हमको क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे का तरह थोड़ा आना है। नीचे का तरह जैसे ही आइएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे का तरह आने से आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, वही सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। आपको यहाँ पर 5 से 7 ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ चैनल के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप चैनल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको आप यहाँ करना क्या है दोस्तों, यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में मेन यही है कि आपको यहाँ पर यहाँ जो दिख रहा है आपको यहाँ पर पहले कंट्री सेट कर लेना है। आप जो भी कंट्री से हो, तो मैक्सिमम तो होता है कि दोस्तों यहाँ हमें इंडिया ही सेट करना है, क्योंकि हम इंडिया की कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें इंडिया सेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ दूसरे नंबर पे यहाँ बहुत सारे कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं, बस यहीं पर आपको मेन कीवर्ड डालना है
और अपने चैनल को सर्च लिस्ट में लाना है। तो दोस्तों अब यहाँ हमारे चैनल का जो भी आपके चैनल का जो भी नाम है वो कीवर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ यहाँ कीवर्ड, यानी इस पर एक बार ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ कीवर्ड ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे चैनल का नाम है एस ए स्मार्ट टिप्स, तो हम उससे उनसे ही जुड़े, यानी हमारे चैनल को लोग कितने तरीके से सोच कर यानी कितने तरीके से सर्च कर सकते हैं वही हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कोई मेरा चैनल को ऐसे ही YouTube पर सर्च करता है कर सकता है एस ए स्मार्ट टिप्स, तो यहाँ हम लिखेंगे एस ए स्मार्ट टिप्स। तो यहाँ पर एस ए स्मार्ट टिप्स लिख दिया। तो उसके बाद फिर से दोस्तों अगर कोई सर्च ही कर सकता है स्मार्ट टिप्स, स्मार्ट टिप्स, अब यहाँ दोस्तों हमें लिखना है कि यहाँ स्मार्ट टिप्स लिख करके अब उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप यहाँ स्मार्ट टिप्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ कीवर्ड के यानी नीचे साइड यहाँ आपको तीर का निशान दिखाई देगा, वहीं पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका लिखा हुआ टैग के रूप में कीवर्ड के रूप में बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने यहाँ बहुत सारे कीवर्ड यहाँ लगा देंगे जिससे हम अगर कोई भी हमारे चैनल को सर्च करे तो हमारे चैनल सर्च लिस्ट में आ जाए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टिप्स एंड ट्रिक की बातें होती रहती है। तो थैंक यू।